आजादी के 75वें साल में दिल्ली भर में 115 फीट ऊंचे अमर तिरंगे के सम्मान में शनिवार को त्यागराज स्टेडियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त तक दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। देशभक्ति जागृत करने के मिशन पर दिल्ली सरकार 500 जगहों पर लहराएगा तिरंगा। रख रखाव के लिए बनाई गई समिति। हर रविवार को 10 बजे होगा राष्ट्रगान। तिरंगा हमारी आन बान शान है और तिरंगे से ही हमारी पहचान है। दिल्ली सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 115 फीट ऊंचा अमर तिरंगा फहराया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि राजधानी में 15 अगस्त तक ऐसी 500 जगहों पर तिरंगे फहराए जाएंगे। यही नहीं, आने वाले समय में हर हाथ तिरंगा योजना भी शुरू की जाएगी। तिरंगा सम्मान समिति को केजरीवाल के 5 मंत्र: भूखे को खाना खिलाएं, बच्चे को शिक्षा दिलाएं, बीमार का इलाज कराएं, बेघर को नाइट शेल्टर, स्ट्रीट चिल्ड्रन को स्कूल पहुंचाएं, अपने इलाके की साफ सफाई करें। दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम के तहत सीएम केजरीवाल ने तिरंगा समितियों को 2 अहम प्रस्ताव भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब तक लोगों में भारत को माँ की तरह मानने की भावना नहीं आएगी, तब तक तिरंगे का असली सम्मान नहीं होगा। लगभग 400 पोल लग चुके हैं, 200 उनपे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। आज भी जो भी बाहर से आता है, कोई भी बाहर से दिल्ली देखने आता है, दिल्ली में आता है और बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी दिल्ली में तो अभी तो 200-300 ही लगे हैं, दिल्ली में तो जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते हैं, दिल्ली में जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, अब तिरंगों की राजधानी भी बन गई है। वहीं तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं जब भी तिरंगे के सामने से निकलता हूँ तो मन में उन लोगों के लिए कृतज्ञता आती है जिनकी वजह से हमें हमारा तिरंगा मिला। तिरंगा है जनता के लिए है, जनता ही इसके सम्मान और रक्षा और इसकी साफ सफाई और इसके शान के लिए काम करेगी। तो इसके लिए फिर तिरंगा सम्मान समिति अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देश पर जिस वक्त ये तिरंगा समिति बनाई गई उस वक्त तक 375 पोल्स खड़े किया जा चुके थे, उसमें से अधिकतर पर तिरंगे लग चुके थे। तो तुरंत प्रभाव से 375 जगहों के लिए, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उसकी संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं, पूरी दिल्ली में 500 समितियां, हर तिरंगे के पीछे 5 लोग खड़े होंगे। ये छोटा नहीं है, वैसे तो हर तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हर तिरंगे की आन बान शान के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बच्चा एक एक व्यक्ति खड़ा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने हर समिति से कहा कि मेरा निवेदन है अपने अपने इलाके में कम से कम 1000 नौजवान सिपाही तैयार करें। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है और आपको याद होगा जिस दिन ये देशभक्ति बजट विधानसभा में पेश हुआ था तो विपक्ष ने इसके लिए कितनी तीखी प्रतिक्रियाएं करी थी और आज देखिए वो सपना जमीन पे साकार होता नजर आया। आज हमारे माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी ने आज जो तिरंगा समितियों को जो जिम्मेदारी दी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी बच्चा बगैर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं तिरंगा समितियों को, तिरंगा समितियां इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। तिरंगे के रखरखाव का ध्यान रखने के लिए एक तिरंगा सम्मान समिति बनाई गई है, 5 सदस्यों की एक समिति होगी। हमारे साथ कुछ तिरंगा समिति सम्मान समारोह के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सर, किस तरीके से तिरंगा सम्मान समिति काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सोच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने ये तिरंगा जो समिति बनाई है उसमें हर विधानसभा, हर एक जहाँ पे स्कूल है जहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पे एक 5-5 लोगों की
जो समिति है वो गठित की है और वो इस बात का ध्यान रखेगी कहीं कि जो तिरंगा है आंधी है धूप है तूफान आती है तो उसमें कहीं वो फट जाता है तो उसका हम ध्यान रखेंगे। साथ एक ये भी अपील की गई है जो 5-5 लोगों की समिति बनाई गई है वो आगे चलकर 1,000 लोगों को जोड़ें तो वो किस तरीके से आप लोग काम करेंगे आगे? हम लोग तैयार हैं, मान लिया अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे हम लोग सारे वेंडर तैयार हैं उनको अपनी ताकत के साथ 1,000-1,000 वेंडर जोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। सीएम केजरीवाल का मकसद है हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। कुछ दिन बाद दिल्ली सरकार हर हाथ तिरंगा नाम से एक कार्यक्रम भी लॉन्च करने जा रही है। सरकार का कहना है जिस दिन 130 करोड़ लोग मिलकर भारत के लिए सोचना शुरू कर देंगे उस दिन गरीबी दूर हो जाएगी, भारत तरक्की करेगा और विश्व गुरु बन जाएगा। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में तो सुधार कर ही रही है, वहीं अब दूसरी तरफ देशभक्ति की भावना भी जागरूक करने का प्रयास कर रही है। उसी को लेकर आज दिल्ली में तिरंगा सम्मान समिति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील की गई कि हर तिरंगे के पीछे जिस क्षेत्र में जो 1-1, 2-2 किलोमीटर की रेंज में तिरंगे लग रहे हैं हर तिरंगे के पीछे 5-5 लोगों की समिति बनाई जाए, हर जनता के अंदर हर एक शख्स के अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक किया जाए ताकि देश के लिए एक विश्व बनाने का प्रयास किया जाए। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन कमल के साथ सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।